हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की बहुत ही क्विक रेसिपी है, क्योंकि सर्दियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं और बहुत ठंड हो चुकी है, तो इसमें बारबेक्यू बड़ा अच्छा लगता है। तो आज मैंने यहाँ पे कोई 1.5 kg चिकन लिया है और हम बना रहे हैं टिक्का। तो मैं ये बोनलेस ले लिया है मैंने, इसको हम मसाला लगा के आज रखेंगे और इंशाल्लाह हम शाम में अपने अंगीठी जो हमने बनाई है उसके ऊपर, कोयलों के ऊपर ये टिक्के अपने बनाएंगे। उसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए टिक्का का मसाला लगाने के लिए, उसमें मैंने ले लिया है चिकन टिक्के का ये बॉक्स ले लिया है नेशनल का, और यहाँ पे मैंने लिया है 1 tablespoon लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये मैंने क्यूब्स बना के रखे हुए थे लेमन जूस के, तो उसमें से मैंने ये 2 लेमन जूस के क्यूब्स ले लिए हैं, और 4 tablespoon मैंने यहाँ पे ले लिया है दही। तो ये हम सारे मसाले, चूँकि हम मसाला थोड़ा सा मैं कम रखती हूँ, तो मैं उस हिसाब से ये चिकन टिक्का मसाला डालूँगी कि मुझे 3 tablespoons इसके डालने या 4 डालने। तो जी हम ये बनाना शुरू करते हैं। हम तो इसके अंदर मैं ये सारा चिकन अपना डाल दूँगी, ये बोनलेस 1.5 kilo है ये सारा, और इसको हम मसाला लगा के रख देंगे शाम तक के लिए। और इसके अंदर ये मैं 2 क्यूब्स डाल दूंगी, ये देखें ये अभी खुद से ही इसमें ना मेल्ट हो जाएंगी। यहाँ पे चली जाएगी लहसुन अदरक का 1 tablespoon मैंने लिया है पेस्ट, और ये 4 tablespoon है। पहले हम मसाला डालते हैं। अच्छा, दही ऑप्शनल है, अगर आपने दही डालना है तो आप डाल सकते हैं, और आप लेमन के साथ भी इसको मसाला लगा सकते हैं। ये देखिए मैं ये देखती हूँ, ये हो गया 1, 2 और ये 3, 4 tablespoon ये देखें मैं ले रही हूँ इसके। 4 tablespoon मैंने लिया है मसाले का टिक्का मसाला, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं 4 tablespoon ही दही ले रही हूँ, 3 and 4। इसका अच्छी तरह मसाले को मिक्स करके इसको हम शाम तक के लिए रख देंगे। मतलब ये 2 क्यूब्स आप समझ लें हो जाएगा लेमन जूस के, आप इसके अंदर 6 to 7 tablespoon आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास क्यूब्स नहीं है तो, यानी कि आप 2 या 3 नींबू कह लें, बड़े मीडियम साइज जो होते हैं। ठीक हो गया, ये देखिए ये बेहतरीन सा मसाला, मैं ज़्यादा नहीं करती क्योंकि फिर वो बच्चों के लिए सही नहीं है। इसको हमने अच्छी तरह लगा के रख दिया है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आज चिकन बिरयानी बना रही हूँ, और उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये मैं आपको अभी मज़ीद बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप में। ये मसाला मैंने लगा के रख दिया है, तो मैंने सोचा कि जो मैं बिरयानी भी आज बना रही हूँ, क्विक है बिल्कुल आज दोनों चीज़ें, तो वो मैं आपके लोगों के साथ अपनी ये वीडियो शेयर कर दूँ। तो ये मसाला बिल्कुल डन है, ये लग गया है हमारा मसाला, और इसको अब हम रख देंगे और अब हम तैयारी शुरू करेंगे बिरयानी बनाने की। चलिए जी, ओके। इसमें मेरा एक रह गया था स्टेप कि आपको हमेशा पता है कि जब मैं कोई चीज़ मैरिनेट कर रही होती हूँ, मैं इसमें ये 2 tablespoon जितना ऑयल मिक्स कर दूँगी। आप कोई भी ऑयल इसमें ले सकते हैं, क्योंकि इससे जो है ना मैरिनेशन बहुत अच्छी होती है ऑयल डालने से। ये देखिए इसमें मैंने 2 tablespoon ऐड कर दी ऑयल के, तो हम मिक्स कर देंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी, ये ले जी, डन। ओके जी, चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है और जो हमने टिक्के बना के रखे थे, अब हम शुरू करेंगे बिरयानी बनाना। तो ये बहुत ही क्विक मैं आपको बता रही हूँ। इसमें मैंने ले ली हैं ये 2 प्याजें, ये देखें, और गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीने की मैंने गुच्छी यहाँ पे रख ली हैं। लहसुन अदरक का मैंने 2 tablespoon लिए भर के, और यहाँ पे मैंने 1 bowl दही का लिया है। इसके अंदर मैं अपना मसाला ऐड करूँगी, मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ शान बॉम्बे बिरयानी, और मुझे बहुत ही पसंद है ये बॉम्बे बिरयानी मसाला। तो
ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं यही यूज़ करती हूँ अगर मुझे बिरयानी बनानी है कोई मतलब बाज़ार वाले डब्बे से, तो ये कोई पेड नहीं है लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है बॉम्बे बिरयानी के, और मैं हमेशा से यही यूज़ करती हूँ। तो इसके अंदर ये लार्ज है बॉक्स और इसके अंदर दो पैकेट्स होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 ग्लास कच्ची बासमती चावल के, और मेरे पास रखी थी क्योंकि मेरा दिल था आज बिरयानी खाने को देसी मुर्गी, ये है 2 किलो, और मैंने कहा आज हम इसी की बिरयानी बना देंगे। आप सिंपल चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैं देसी मुर्गी यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 बड़े टमाटर, ये फूड कलर है बिरयानी को कलर देने के लिए। तो अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ बताती जाऊँगी कि मैंने कैसे कैसे करना है। पहले हम चावल बॉयल होने रख देंगे और आइए बनाना शुरू करते हैं। जी प्याज हमारी कट गई है और यहाँ पे मैंने ये देखिए 1 पैकेट लिया है मसाले का, दूसरा पैकेट हमारा रखा हुआ है, इसमें मैं एक डालूँगी शायद, और वो काफ़ी होगा मुझे लगता है, 1 पैकेट काफ़ी होगा 3 ग्लास चावल में, क्योंकि हम ऑलरेडी दही और टमाटर डाल रहे हैं तो उससे काफ़ी मसाला बन जाएगा। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करके अपने गोश्त में मिलाएंगे, चलें बनाना शुरू करते हैं। कि चावलों के लिए उबालने के लिए पानी रख दिया, इसके अंदर ये मैं 1 बड़ा डाल रही हूँ और ये छोटा दालचीनी का टुकड़ा और 1 बादियान का फूल, और ये 5 से 6 मैंने डाल दिए लौंगे। इसके अंदर आप नमक और ऑयल अपना हसबे ज़रूर डाल सकते हैं, और इसको जब एक बॉयल आ जाएगा तो इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँ। यहाँ पे मैंने देगची में 7 to 8 टेबलस्पून घी डाल दिए हैं, आप एक बड़ा चम्मच भी डाल सकते हैं ऑयल का, और ये प्याज इसमें हम डाल देंगे फ्राई करने के लिए। इसको हम अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे प्याज को। मैं आजकल थोड़ा ज़रा कम ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तो अगर आप लोग ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके अंदर आप 1/2 कप डालें ऑयल का, और इसको हम अच्छे से फ्राई करके इसमें गोश्त ऐड करेंगे अपना प्याज को फ्राई करने के बाद। प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई है, इसके अंदर हमने कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलाना ज़ीरा वगैरह, क्योंकि बिरयानी के मसाले में सब कुछ ऐड होता है। इसमें मैं अपना चिकन ऐड करूंगी और लहसुन अदरक ऐड करेंगे। ये गया हमारा इसमें चिकन, और साथ ही मैं इसके ये 2 टेबलस्पून मैंने भर के लहसुन अदरक लिया था, हम ये ऐड करते हैं। इसको हम 2 सीटी में अच्छी तरह फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के साथ। देसी मुर्गी जरा मुश्किल से गलती है, तो मैं इसको 1/2 घंटे के लिए रखूंगी। आम चिकन तो आप 10-15 मिनट भी काफ़ी होता है, मसाले में आप उसको ढक के रखें तो वो गल जाता है मसाला भी साथ। इस चिकन का अपना ही मज़ा आएगा। तो इधर मैंने लिए थे 4 टमाटर, 4 से 5 टमाटर वो सारे गए। कुछ लोग दही नहीं ऐड करते मसाले के अंदर, तो मिक्स करके वो स्ट्रेट इसी में ही डाल देते मसाले में, लेकिन मैं दही के अंदर ऐड करके डालती हूँ। टमाटर हमारे हल्के हल्के गल से गए, जो सख्ती थी वो ख़त्म हो गई है टमाटर की। इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं अपना ये दही मिक्स हुआ हुआ मसाले का पैकेट, और इसी के अंदर हम टमाटर और जो ये है मसाला, इसके अंदर हम चिकन को गलाएंगे, और अगर आप चाहें तो इसमें 1 ग्लास पानी भी ऐड कर सकते हैं, वरना आम चिकन में पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, वो टमाटर और दही में ही गल जाती है। मटन में या देसी मुर्गी में करना पड़ता है आपको ऐड पानी। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको रखेंगे मसाले को, ताकि ये अच्छी तरह बन जाए।
चम्मच जितना पानी ऐड करके रख दूंगी। इसमें ये क्या एक गिलास पानी सही से मिक्स करके और ढक के इसको हम रख देंगे। इसको हम खोलेंगे 10 से 15-20 मिनट के बाद। ओके, इसके अंदर मैं आलू बुखारा और डालना चाह रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास आलू बुखारे हैं तो आप डाल दें। मैं इसमें 4 से 5 अदर आलू बुखारे भी ऐड कर रही हूँ बस। और जब मसाला भुन जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, ये देखें। मैंने 20 मिनट के बाद ढक्कन हटाया है और चिकन हमारा ऑलमोस्ट डन है। और ये देखें, इसको हम कोई मसाला हमारा नहीं लगा, इसको हम अब 5 से 10 मिनट तक रखेंगे इसी फ्लेम पे, हल्की फ्लेम पे। और हमारे चावल भी उबल गए हैं, अब मैं इसके अंदर लेयर्स लगा के चिकन को और राइस को दम पे लगा दूंगी। ये देखें, ऑयल मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं कम डालती हूँ, तो आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं ऑयल। ये बिल्कुल हमारा अच्छी तरह चिकन गल चुका है, मसाला सारा भुन गया अच्छे से। चलिए जी, अब हम इसको दम लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा देगचा मैंने ले लिया है चावल को दम लगाने के लिए, तो इसमें मैं थोड़ा सा नीचे ऑयल डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून जितना देगची के अंदर। और अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे मैं फैला दूंगी ताकि हल्का सा चावल नीचे ना लगे। ये देखिए, तो मैं इसको लेयर पे लगा देंगे नीचे वाली। और अब मैं डालूंगी अपने चावल, ये देखिए इस तरह हम फर्स्ट लेयर अपने चावलों की, इसके ऊपर अपना मसाला मैं डालूंगी, उसके बाद हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और कलर जो बिरयानी का कलर हम लोग यूज करते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर मैं ये डाल रही हूँ पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें, और ये 2 लेमन गए, सॉरी ठीक हो गया। के साथ ही अब मैं इसके ऊपर डालूंगी अपना चिकन। आपने दोनों लेयर्स ऐसे ही बनाएंगे, फिलहाल मैं इसकी 2 लेयर्स बना रही हूँ क्योंकि चावल इतने ज्यादा नहीं है, ये 2 में ही पूरा हो जाएगा। और इसको फिर मैं 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रखूंगी। ये सारा हमारी ग्रेवी गई इसके अंदर, और साइड पे मैं कलर डाल दूंगी। ये देखिए, ये देखिए जी, इसको हम फैला देंगे। और कलर के अंदर मैंने लिया है ये बिरयानी का ऑरेंज कलर, इसके अंदर मैं दूध डालती हूँ, पानी नहीं यूज करती मैं। ये सारा हम इसके अंदर डाल देंगे, सारा नहीं, चम्मच की मदद से जितना आपको ज़रूरत है वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और कुछ हम ऊपर वाले चावलों के लिए रख देंगे। ये गए ऊपर से दोबारा धनिया पुदीना, और अब बाकी बचे हुए चावल मैं डालूंगी इसके ऊपर। मैंने ऊपर वाली लेयर भी लगा दी है, इसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा कलर डालूंगी दोबारा, ये देखिए ऐसे, क्योंकि नीचे मैंने ज्यादा डाल दिया था। ये देखें जी, इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, और मैं आपको इंशाल्लाह टिक्कों के साथ ये बिरयानी सर्व करके दिखाऊंगी। और ये गया धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और ऊपर से दोबारा लेमन, इस तरह। ये देखें जी, बड़ी सिंपल और ये क्विक मैंने बिरयानी आप लोगों के लिए बनाई है।
होप आप लोगों को ये सिंपल रेसिपी लाइक करेंगे। चलें जी, इसको हम रख देंगे दम पे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है अभी से ही। चलें इसको हम दम पे रखेंगे और सूखे दम पे रखेंगे, गीला नहीं करना हमने दस्तरखान को। चलें जी, तो मैं आपको इंशाल्लाह ये तिक्को के साथ दिखाऊंगी। ठीक जी, माशाल्लाह से देखें ये मैंने इसका दम खोला है, कितना प्यारा इसका कलर आया बिरयानी का। और अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी सारे मसाले को। ये देखें, इस तरह हम साइडों से उठा के सारा मसाला मिक्स करेंगे। बहुत ही प्यारा कलर आया हुआ है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है बिरयानी की। इसको हम रायते के साथ सर्व करेंगे। ये देखें जी, बहुत ही अच्छी बेहतरीन बिरयानी बनी है। ये देखें, ये इस तरह मैंने सीखों पे सारे ये लगा लिए तिक्के, और अब हम मैं इनको जो हमने अंगीठी बनाई है उस पर रखेंगे। ये देखें इस तरह करके, ये मैंने 5 to 6 हर सीख पे लगाए, 6-7 के हिसाब से। कोयले अच्छी तरह हमने जला लिए हैं और हमने अपनी जो सीखें हैं वो रख दी हैं टिक्कों की ऊपर। ये अच्छे से बन रही है दोनों तरफ से, ये मैंने अभी अभी रखी हैं। ये देखिए, इनको हम आहिस्ता आहिस्ता टर्न करेंगे। इन टिक्कों पे मैंने हल्का हल्का सा ऑयल लगा दिया है, ये देखिए, और ये हमारे होने वाले हैं टिक्के। ये हमारे टिक्के कुछ बन चुके हैं और मैंने प्लेट में सर्व कर दिए हैं और अभी कुछ बन रहे हैं। होप आपको आज की मेरी वीडियो लाइक करेंगे, इसको शेयर करें, एंजॉय करें इस वीडियो को। और ये रेसिपी आप दोनों, बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है, ये आप लोग इजीली बना सकते हैं अपने घर पे। तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरी वन।